तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आजकल जो हॉट टॉपिक मार्केट में चल रहा है वो है हमारा एंड्रॉयड स्टीरियोज का, और काफ़ी फैसिनेटिंग है। काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमको, और यूट्यूब अपना कोई भी ऐप वगैरह चलाना हो तो बहुत आजकल पॉपुलर है, डिमांड में है। बट कन्फ्यूजन हमेशा ये रहती है कि कौन सा एंड्रॉयड लगाएं, क्योंकि बहुत वाइड रेंज हो गई है अब एंड्रॉयड्स में। अराउंड मतलब मोर देन 50 प्लस ब्रांड्स होंगे जो कि एंड्रॉयड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनमें से बेस्ट कौन से ब्रांड्स रहेंगे जो आपको लगाने चाहिए, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, प्राइसिंग कहां से कहां तक जाती है, वो उन सब चीज़ों की आज बात करेंगे। और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हो होंडा सिटी की, जिसमें इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लगने वाला है। वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो सीधा नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाएंगे। बट आज बात करते हैं कि जो इतनी वैरायटी है उसमें से हम कुछ 3-4 बेस्ट ब्रांड्स लेकर आए हैं, वो कौन से रहने वाले हैं। तो अब सीधा गाइस मिलते हैं योगेश भैया से। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो भैया आज क्या दिखाने वाले हैं हम, और किस बेसिस पे हमने जो आज ब्रांड सेलेक्ट करे हैं उसका क्या बेसिस रहने वाला है? हम एंड्रॉइड स्टीरियोज के बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग से लेके जो बेसिक स्टार्टिंग होती है टिल जिसको बहुत हाई एंड चाहिए, थोड़ा स्पीड बेटर हो, कॉन्फ़िगरेशन बेटर हो, हम सारे ऑप्शंस दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो गाइस बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला ब्रांड भैया कौन सा रहने वाला है? दिस इज M-Trax, ये आपका स्टार्टिंग रेंज आप समझ लो। इससे नीचे भी मॉडल्स आते हैं, बट दिस इज अ गुड क्वालिटी। नाउ दिस इज TS7 प्रोसेसर, जो इनका स्टार्टिंग प्रोसेसर आता है, थोड़ा स्लो होता है। एंड दिस इज 2GB रैम विद 16GB हार्ड डिस्क, ये जो मॉडल है आपका। बेसिक जिसको फंक्शनैलिटी चाहिए कि मैप्स चलाने हैं, सिर्फ गाने चलाने हैं, ब्लूटूथ से ज़्यादा एप्स नहीं डाउनलोड करने हैं, या स्टोरेज ज़्यादा नहीं चाहिए, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए दिस इज़ अ गुड स्टीरियो। तो इसमें भैया एप्स डाउनलोड हो सकते हैं, बट क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा हल्का है, प्रोसेसर इसका थोड़ा बेसिक है, तो लोडिंग टाइम ज्यादा होता है, आपका स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये गाइस आप देख सकते हो M-Trax ब्रांड का ये रहने वाला है। एक बार भैया इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आप देखो गाइस ऐसी कुछ लुक निकल के आ रही है स्टीरियो की। स्टीरियो आप जितने भी एंड्रॉइड देखेंगे सबका फेस सेम होता है, फेस सबका सेम मिलेगा, क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं चीजों का फर्क होता है। ठीक है, तो इसमें भैया जैसे एंड्रॉइड में मैं देखता हूँ फर्क रहता है प्रोसेसर का, स्क्रीन की क्वालिटी का और फीचर्स का, ये तीन चीजें हैं जो हर एंड्रॉइड को, ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी उनके चिपसेट बेटर होते हैं, वो भी डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये गाइस आप देख सकते हो। और इसमें भैया और भी वेरिएंट्स आते हैं M-Trax में? बिल्कुल आते हैं, ये इनका बेसिक स्टार्टिंग है। इसके बाद इनका एक मॉडल आता है जिसमें प्रोसेसर आपका T3L आ जाता है, विच इज बेटर देन TS7, एंड दैट कम्स विद वायरलेस कारप्ले एज वेल, एप्पल कारप्ले। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है रैम में और उसमें? कॉन्फ़िगरेशन इज 216 ओनली, और 232 भी आता है उसमें, प्लस प्रोसेसर इज बेटर, तो थोड़ी लोडिंग टाइम आपका बेटर रहता है, थोड़ा फास्ट रहता है, प्लस उसमें वायरलेस कारप्ले आ गया, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो भी आ जाता है आपको। ठीक है, तो इनकी भैया हम रेंज की अगर कुछ बात करें, वैसे इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है, बहुत चेंजेस देखने चलता रहता है, बट एक बेसिक स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं सिर्फ स्टीरियो के पैनल की, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं 5000 रुपीज से। तो जो हम पर्टिकुलर अभी गाइस दिखा रहे हैं M-Trax का, ये एक बेसिक मॉडल रहने वाला है आपका, जिसमें आपको फंक्शनैलिटी सारी मिलती है, बट थोड़ा सा स्पीड का और क्वालिटी का फर्क होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि सिर्फ सॉन्ग्स प्ले करने या कभी कभी गूगल मैप यूज करना है या यूट्यूब, उनके लिए ये ठीक स्टीरियो है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं भैया सेकंड की तरफ, तो ये कौन सा ब्रांड रहने वाला है? दिस इज G-Mac, इसमें भी एक सेम मॉडल आता है M-Trax की तरह, प्राइसिंग भी सेम है, बट ये जो मॉडल हम शोकेस कर रहे हैं दिस इज विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, एंड दिस कम्स विद 2GB रैम, 32GB हार्ड डिस्क, एंड दिस हैज अ T3L प्रोसेसर, एंड डिस्प्ले क्वालिटी इज आल्सो गुड। तो भैया इसमें मैं एक बार जानना चाहूंगा, जैसे जो लोग पहली बार वीडियोस देख रहे हैं एंड्रॉइड्स की, तो T3 प्रोसेसर क्या होता है, T5 क्या होता है? यूज करते हैं फोन पे आपका स्नैपड्रैगन आता है, फिर से सैमसंग का एक्सिनॉस आता है, किसी फोन में MTK भी आता है MediaTek, एंड्रॉइड्स में भी MediaTek, तो ये वो प्रोसेसर्स थे, जैसे स्नैपड्रैगन 735 हो गया या 888 हो गया, तो जो स्पीड का डिफरेंस आता है उस हिसाब से ये अलग अलग प्रोसेसर्स है। ठीक है, तो ये आप गाइस देख सकते हो जो हमारे फोन में प्रोसेसर्स होते हैं एग्जैक्टली एंड्रॉइड स्टीरियोज में भी वैसा ही कुछ रहता है। तो इसकी एक बार थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करते हैं,
तो ये ब्रांड भैया कहाँ का रहने वाला है? देखिए ब्रांड्स तो जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे आप ब्लॉबंग भी ले लें या कोई भी प्रीमियम ब्रांड पे जाते हैं एंड्रॉइड्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सबकी चाइना, बट क्वालिटी कंट्रोल है कि आपको कैसा कंपोनेंट यूज करना है, क्या प्रोडक्ट लेकर आना है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आप पीछे से भी अगर देखते हैं तो इसका हीट सिंक थोड़ा बेटर है, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर होगी, इसका चिपसेट थोड़ा बेटर होगा, तो ये डिफरेंसेस आते हैं इसके अंदर। और बाकी गाइस इसमें क्या होता है कि अभी तो सर्दियों का मौसम है, बट जब गर्मियां आएंगी तो गर्मी से भी डैशबोर्ड काफी हीट हो जाता है, तो वहां पर इनकी असली परफॉर्मेंस और जो डिफरेंस है क्वालिटी का वो आपको समझ आने लगेगा। थोड़ा हीट हो जाता है तो लैगिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा स्लो, तो वो डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये गाइस आप देख सकते हो ये रहने वाला है हमारा जी मैक का। तो इनमें भैया जैसे जो भी एंड्रॉयड लगाता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एक तो हर गाड़ी के हिसाब से उसका हमें फ्रेम लेना होता है और कैमरा, तो दो चीजें ये रहेंगी। इसमें आपका मैक्सिमम जितनी कार्स इंडिया में आ रही हैं 90% कार्स में 9 इंचेस लगता है। बहुत लिमिटेड कार्स है लाइक होंडा सिटी या फिर आपका किया हुंडई क्रेटा हो गई, इनमें आपके 10 इंचेस लगते हैं, तो 10 इंचेस के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं, बहुत लिमिटेड कार्स में लगता है। प्लस इसमें आपका कंपनी फिटेड यूएसबी पोर्ट है या स्टीयरिंग कंट्रोल है, सब कुछ वर्क करता है। किसी गाड़ी में एक्टिवेटर लगाना पड़ता है, किसी में कैनवस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली कैन होता है जो आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और स्टीरियो पे डिस्प्ले करता है, लाइक इन टाटा महिंद्रा स्कोडा वीडब्ल्यू, इन सब में आपको कैन की जरूरत पड़ती है। और ये भैया उनमें भी जरूरत पड़ती है हमें, जिसमें हमारे सपोजिटली एसी के कंट्रोल्स भी हमारे डिस्प्ले पे ही शो होते हैं, उनमें आपको कैन चाहिए तभी वो डिस्प्ले दिखाएगा। कई स्टीरियोज में आपका क्या महिंद्रा हो गई या टाटा हो गई, तो आपके सेंसर भी स्टीरियो से कनेक्टेड है, वो भी वर्क नहीं करेंगे। कैमरे का भी कनेक्शन स्टीरियो से है, वो भी बिना कैन के वर्क नहीं करेगा। डोर ओपनिंग डोर क्लोजर का स्टीरियो पे आता है, वो भी आपका तभी वर्क करेगा जब आप कैनवस साथ में लगाएंगे, तो वो सब चीजें हमारे पास इन सब ब्रांड्स में अवेलेबल हो जाती है। कैनवस इन ब्रांड्स के नहीं आते, अलग से आते हैं, अलग से आते हैं और हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मॉडल भैया क्या स्पेसिफिकेशन के साथ है? दिस इज T3L प्रोसेसर, व्हिच इज अ गुड प्रोसेसर, लैग नहीं जाता, थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। दिस इज 2GB रैम प्रॉपर, 32GB हार्ड डिस्क। इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, लोग 2GB लिखते हैं बट जेन्युइनली 1GB होते हैं जो बेसिक आते हैं, बट वो फेक लिखा होता है 2GB, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। काफी ऐप्स आते हैं एंड्रॉइड में जो आप डाल के चेक कर सकते हैं कि 2GB है कि नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये वेरिएंट रहने वाला है 2GB और 32GB स्टोरेज के साथ, वायरलेस एप्पल कारप्ले। देन देयर इज अ DSP सॉफ्टवेयर व्हिच इज काइंड ऑफ अ गिमिक ओनली, एक सेटिंग का सॉफ्टवेयर है जो ऐप बेस्ड है, तो बहुत डिफरेंस नहीं आता उससे कुछ खास। प्लस वायरलेस कारप्ले है, वो भी बहुत अच्छे से चलता है, एंड वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो भी है। उसमें ये बेनिफिट है आपको हॉटस्पॉट नहीं देना पड़ता, हॉटस्पॉट में क्या थोड़ी लैगिंग रहेगी मैप्स में, आप कारप्ले से चलाएंगे तो आपका मैप फोन के थ्रू चल रहा है एक ऐप के थ्रू, तो वो फास्ट चलेगा, लैग नहीं करेगा। तो 232 के अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन इसमें आती है? आता है इसके ऊपर आता है T5, जो अभी तक का बेस्ट प्रोसेसर है। T5 सबसे फास्ट आता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, फोन की तरह चलता है, बहुत लैगिंग नहीं है, ऐप लोडिंग टाइम बहुत कम है, एंड दैट कम्स विद 4GB रैम एंड 64GB हार्ड डिस्क। ठीक है, और बाकी गाइस आप यहाँ पर बॉक्स पे भी देख सकते हो, तो 7, 9 एंड 10 तीन साइजेस में जी मैक के स्टीरियोज आपको मिल जाते हैं। दिस इज T3 प्रोसेसर, DSP मॉडल, 232, एंड दिस कम्स विद IPS डिस्प्ले, HD डिस्प्ले। तो ये गाइस आपने देखा सेकंड स्टीरियो, और भैया एक प्राइसिंग के अंदाजे की हम बात करें, कारप्ले वाला आप स्टीरियो लेते हैं कोई भी अच्छा ब्रांड, T3 प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अराउंड 7500 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें TS7 में भी आते हैं कारप्ले, जो बेसिक प्रोसेसर है वो थोड़े 500,000 रुपए सस्ते होते हैं। ठीक है, तो ये गाइस आपने देख लिया तीन तरीके के हमारे प्रोसेसर्स बेसिकली रहते हैं, और T3 जो है वो हमारा मिड लेवल पे आ जाता है, T5 इज दी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और TS7 जो हमारा सबसे लोएस्ट, वो बेसिक में आ जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, तो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है निपॉन की तरफ से। नाउ दिस इज अ पॉपुलर ब्रांड, लोगों ने नाम भी सुना है, बाकी सब ब्रांड तो क्या अपने सबने बना रखे हैं इंपोर्ट करके, ये एक प्रॉपर ब्रांड हो गया क्योंकि मारुति में आता है, ये OEM भी आता है कई गाड़ियों में आता है, तो इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है। Right. अब इसमें भी अलग अलग मॉडल्स आते हैं, इनका ये मॉडल हॉटेस्ट सेलिंग था 9 Pro, पहले यही सबसे ज्यादा सेलिंग होता था। दिस इज अगेन T3 प्रोसेसर, 216, सेम कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आ जाता है, जैसे आप i5 या i7 लैपटॉप लेते हैं तो 2.2 GHz या 2.7 GHz, तो वो डिफरेंसेस रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा स्पीड का फर्क पड़ता है, तो
इसमें आपका कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, सिंपल एंड्रॉयड है 216. परफॉर्मेंस इज गुड, ऑडियो क्वालिटी इज गुड, एंड ईक्यू इसमें बेसिक आता है. यहाँ पर आप फीचर्स देख सकते हो गाइस, लिखे हुए हैं T3L, ये आपका प्रोसेसर लिखा हुआ है, 2GB 16:9 inches गोरिल्ला टच पैनल है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन तो सारे फीचर्स यहाँ पर मेंशन्ड है, आप पॉज करके देख सकते हो. ये गाइस आप देखो, ये स्टीरियो रहने वाला है. तो अगेन भैया, ये वाला स्टीरियो भी यूनिवर्सल है, हम किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, हर गाड़ी के लिए फ्रेम आता है. दिस इज अ 9 इंच स्टीरियो, मैक्सिमम कार्स में आपका गाड़ी के फ्रेम के अकॉर्डिंग आराम से इंस्टॉल हो जाता है. एंड दिस इज ऑल कपलर टू कपलर, हर गाड़ी का कपलर आता है, यू डोंट हैव टू टच एनीवेयर फॉर दिस. ठीक है भैया, और इसमें भी हमारे कुछ वैरायटी आती है, कुछ रेंजेस आती होंगी. इन्होंने अभी बीच में निकाला है एक एप्पल कारप्ले वाला मॉडल निकाला है इन्होंने बीच में, जो कि अवेलेबिलिटी थोड़ी शॉर्ट रहती है, कि निप्पन का नाम है तो जल्दी सेल आउट होता है, तो एक वो मॉडल भी आता है इसमें. ठीक है, तो इसकी भैया अगर एक रेंज की बात करें तो क्या रहेगी? एंड्रॉइड प्रो, इससे नीचे एक आता है इनका एंड्रॉइड 9 सिर्फ करके, जो कि थोड़ा स्लो था, कंप्लेंट भी थी. ये मॉडल इनका ज्यादा सेलिंग है, एंड इसकी रेंज समवेयर अराउंड 10,000. ठीक है, तो ये गाइस आपका हाँ, प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, बट एक आइडिया के लिए दिस कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,000. अब गाइस हम लास्ट की बात करते हैं, जो हमारा रहने वाला है ड्रिवन की तरफ से, तो इसकी क्या खासियत है भैया? देखो, एक तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी इज वेरी गुड, T3L है बट कॉन्फ़िगरेशन बेटर है प्रोसेसर का, तो स्पीड भी अच्छा है, वायरलेस कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, जो आपको GMAC दिखाया था सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसका, बट डिस्प्ले और टच क्वालिटी बहुत अच्छा है. ठीक है, और इसमें भैया T5 प्रोसेसर है. और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों आपको वायरलेस मिल जाएगा. वायरलेस भी एंड्रॉइड ऑटो चलता है कुछ लिमिटेड एंड्रॉइड फोन्स में, क्योंकि सब सपोर्ट नहीं करता. ठीक है, तो इसको भैया एक बार ओपन कर लेते हैं, हालांकि स्टीरियो सारे बाहर से सेम ही दिखते हैं. मेन जो फर्क है उनकी बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अंदर का चिपसेट हो गया, उसमें डिफरेंसेस होते हैं. दिस इज T3 9 इंचेस 2+32, ये आप गाइस देख सकते हो. तो इसमें भी भैया हमारा 2/16 भी एक मॉडल आता है, 2/32 और फिर 4GB 64 भी आता है, 4/64 भी आता है, फिर इसमें एक 360 कैमरा के साथ भी मॉडल आता है, जिसमें आप 360 कैमरा लगा सकते हैं. काफी सारे ऑप्शंस हैं मॉडल के. और दूसरा क्या है, ड्रिवन की सर्विस एक तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टर है जिनका ये ब्रांड है, दे आर द इम्पोर्टर्स फॉर मुराल, JL ऑडियो, जो कार ऑडियो के बहुत पॉपुलर और अच्छे ब्रांड है. तो ये गाइस आपने देखे, हमने 4 आपको कंपनीज दिखाई. अब हालांकि मार्केट में 50 कंपनियां होंगी जो एंड्रॉइड्स बना रही हैं. गो मैकेनिक भी मिलेगा, बूस्टिक भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिमिट नहीं है. वो गो मैकेनिक का जो आप देख रहे हैं वो प्रीमियम मॉडल है, विच कम्स विद 8GB रैम एंड आपका 64GB हार्ड डिस्क, तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है. ठीक है, तो ब्लॉपंग आता है एक अच्छे ब्रांड में, अगर आपको रिनाउंड ब्रांड में जाना है तो ब्लॉपंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन. तो ये गाइस आपने देख लिया, बेसिक से लेके अच्छे एडवांस तक हमने आपको सारे एंड्रॉइड्स दिखाए. और जिनका थोड़ा ऑडियो के लिए भी थोड़ा शौक है, जिनको ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी पसंद है, तो भैया उनके लिए स्पेसिफिकली कौन से स्टीरियोज रहेंगे कि हमें फीचर्स भी मिल जाए और हमारा ऑडियो का शौक भी पूरा हो जाए? बहुत शौक है तो एंड्रॉइड अगर आप कोई भी लगाते हैं, बहुत प्रीमियम अगर लगाते हैं मॉडल, अगर ऑडियो का बहुत शौक रखते हैं तो इसके साथ एक प्रोसेसर जरूर ऐड करें, अगर प्रॉपर ऑडियो क्वालिटी, नहीं तो आप इसका प्लीआउट्स ना यूज करें, ये थोड़ा टेक्निकल है, आप इसमें हाईलो कन्वर्टर साथ में लगाएं, उससे आपका आउटपुट बेटर रहेगा एंड डे. ठीक है, तो ये गाइस आपने सुन लिया, चारों प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखा दिए हैं. और किसी को भी अगर क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप कॉल करके ज़रूर चेक कर सकते हैं. तो यही थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आगे भी लेके आने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हो होंडा सिटी की, जिसमें हम इन चारों में से कोई एक मॉडल अभी सेलेक्ट करेंगे और लगाने वाले हैं. 464 जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा. चलो भैया ने बता ही दिया है, मैं सरप्राइज रखने वाला था. तो अब गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी सीधा होंडा सिटी की. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.